बचराज पैराडाइज सोसाइटी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई विरार पुलिस ने। आपको बता दें कि 22 जनवरी की देर शाम इसी इमारत के सी विंग स्थित चैम्बर से कई टुकड़ों में कटी हुई लाश बरामद हुई थी। मृतक की पहचान 58 वर्षीय गणेश कोलहटकर के रूप में की गई है, जो कि मीरा रोड का निवासी था। 15 जनवरी 2019 से लापता होने की वजह से मीरा रोड नया नगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज की गई थी। फिलहाल अरनाला पुलिस ने मृतक के दोस्त पिंटू भाई को इस मामले में गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच के अनुसार पैसों की अनबन हत्या की मुख्य वजह होने का पता चला है। क्या आपको डिटेल दिया है, कितने टुकड़े किए थे, क्यों मारा? कल अरनाला पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में पुलिस निरीक्षक माने इनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक ग्लोबल सिटी में बचराज पैराडाइज करके बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ टॉयलेट के चेंबर में फ्लैश मिला, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो मौके पे जाके उन्होंने चेक किया, ये जब फ्लैश के सारे टुकड़े हुए तो उसमें एक दो फिंगर्स मिले थे। फिंगर्स के चलते ह्यूमन बॉडी ऐसा पता चलने पर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर 302 का मामला दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन अरनाला पुलिस स्टेशन की टीम ने किया था। साथ में विरार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच PI सब उसमें शामिल हुए थे। उसमें बाद में पता चला कि वो जो बिल्डिंग है उसमें कुछ बंद फ्लैट्स भी है। उसमें एक फ्लैट रेंट आउट हुआ था, जो कि वो कस्टमर जो था जिसने रेंट पे लिया था वो बाहर गया था। तो की मेकर बुला के हमने वो फ्लैट चेक किया तो कुछ सस्पेक्ट चीज़ें हमें मिली। उसको फिर ट्रैप करके हमने विरार में बुलाया। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने पूरा स्टोरी कन्फेस किया है। उसने एक उसका फ्रेंड था गणेश कोलटकर नाम का, जो प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस में था, उसको 1,00,000 रुपये दिया था, जिसमें 60,000 अभी भी रीपेमेंट करना उसका बाकी था। इसके चलते उसने उसको अपने ये फ्लैट पर बुला के विरार के वेनसडे को उसका मर्डर किया था। उसके बाद 2-3 दिन उसके वो उसने टुकड़े किए, जितना फ्लैश बॉडी से अलग हो सकता है उतना किया और वो टॉयलेट से फ्लश किया था। जो बचे हुए बोन्स और जो स्कल है वो ट्रैवलिंग के समय ट्रेन से फेंक दिए। सर क्यों मारा था, इसको वजह मालूम पड़े? ये बेसिकली पैसों का भी लेन देन का इनका जो था 60,000 वो वापस नहीं कर रहा था, एक मैटर था। और दूसरा ये भी था कि उनमें जब मजाक मस्ती चल रही थी, वो 58 ईयर्स का जो विक्टिम है वो अभी शादी करने जा रहा था, तो मजाक में वो बोला कि अभी शादी करने से क्या फायदा वगैरह, उसका थोड़ा उसको गुस्सा भी आया था, तो उसमें अनबन होकर उन्होंने मर्डर किया। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी जो है वो शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करता है। सर आरोपी के खिलाफ और कोई मामला दर्ज है? आरोपी के खिलाफ अभी वालियू पुलिस स्टेशन में एक 365 का मामला दर्ज है गए साल में। सर कोई मिसिंग भी दाखिल था इसमें, इस केस में? जो विक्टिम है गणेश कोलटकर, उसका नया नगर में 20 जनवरी को मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज है। सर आरोपी ने जो कत्ल किया है, तो कत्ल के पीछे कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल जानबूझ के किया है या मारपीट करते हुए कत्ल हुआ? नहीं, फिलहाल अभी कल अरेस्ट किया है आरोपी के कहने पे, तो अभी एक्सीडेंटल लग रहा है, लेकिन अलग स्टोरी भी आगे इन्वेस्टिगेशन में।